अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जांपल 5.6। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, ठीक है, हमें एक बॉडी का मास दिया हुआ है कितना 0.5 kg, मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जिसका रेडियस कितना है आपके पास, जिसका रेडियस है 30 cm, ठीक है, इसका रेडियस कितना गिवन है 30 cm, हमें पता है कि ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 30 को डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.3 meter, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें। एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड कितनी है यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1.5 revolution per second, ठीक है, कितनी है उसकी वेलोसिटी, 1.5 revolution per second। लेकिन अब हम वेलोसिटी को वी नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग शो करते हैं ओमेगा से, तो ओमेगा हमें दिया हुआ है 1.5 revolution per second, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी का, वो रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है, तो हम लोग रेवोल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिटेल में इनकी डिफरेंट कन्वर्शंस देख चुके हैं। अगर आपको रेवोल्यूशन से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप 6.28 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। डेटा हमारा कंप्लीट है हर तरह से। अब हमें इसमें तीन चीज़ें निकालनी है, एक निकालनी है टेंजेंशियल स्पीड, ठीक है, दूसरा हमें निकालनी है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, तीसरा हमें निकालनी है सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, जो स्पीड निकालनी है, बेसिकली जो टेंजेंशियल स्पीड निकालनी है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा था, अगर आप लोगों ने पूरा चैप्टर के सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आप लोगों को ये चीज़ पता है, एक होती है टेंजेंशियल स्पीड या वेलोसिटी और एक होती है रोटेशनल। जो रोटेशनल होती है वो एंगुलर होती है, जो टेंजेंशियल होती है, जो टेंजेंशियल होती है वो लीनियर होती है, ठीक है, बात हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी स्पीड अगर हमसे कह रहे हैं तो यानी कि हमें वी कहना है, सिंपल, हमें एक तो वी निकालना है। भैया अब हम लोग वी कैसे निकालेंगे, वी के लिए तो हमें एस और टी पता होना चाहिए, ना एस पता है हमें ना टी पता है, फिर कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसी चैप्टर के लेक्चर्स में एक लेक्चर ऐसा लिया जिसमें हमें रिलेशनशिप भी बताया हुआ है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ के दरमियान, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट्स के दरमियान भी, एक्सेलरेशंस के दरमियान भी और वेलोसिटीज़ के दरमियान भी है। तो वी निकालने के लिए देखें, वी के तो दो फॉर्मूलाज हैं ना, एक वी इज़ इक्वल टू एस अपॉन टी है और दूसरा रिलेशनशिप से मेरे पास फॉर्मूला है वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ये है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अब मेरे पास दो फॉर्मूलाज है तो भाई मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये डिसाइड करेगा आपका डेटा, आपके डेटे में जिस फॉर्मूला के पैरामीटर्स गिवन हैं और पूछे हुए हैं आप वही फॉर्मूला यूज़ करोगे, ना एस दिया हुआ है ना टी दिया हुआ है ना डेटा में ऐसी कोई चीज़ है जिनकी मदद से आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अलबत्ता ऐसा है कि आपको रेडियस भी गिवन है और आपको ओमेगा भी गिवन है, तो ऑब्वियसली आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, रेडियस की वैल्यू पुट करोगे, ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की, और आपके पास वी निकल जाएगा और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग निकालेंगे एंगुलर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की भी कंप्लीट डेरिवेशन हम लोगों ने की है और इसका फॉर्मूला ड्राइव हुआ था ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। वी की वैल्यू अब निकल चुकी है हमारे पास, वी बेशक हमें सवाल में नहीं गिवन था। अच्छा देखें, अब ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ना कहवाओ कि ये निकालें, सिर्फ ये दोनों आ सकते हैं और डेटा अगर आपका सेम हो तो अगर आपसे ना भी कहा हुआ होगा तब भी आपको ये निकालना पड़ेगा। भाई क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपेटल फोर्स दोनों में ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इन दोनों को वी के बगैर निकाल सको, ठीक है। और इस क्वेश्चन में तो हमें कहा हुआ है फिर तो निकालना ही निकालना था, लेकिन ना भी कहा हुआ होता तो मैं हर तरह से जो पॉसिबिलिटीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर, वी जो आपने निकाला उसकी वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर किया, नीचे आर की वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर सॉल्व करवाया, आर की वैल्यू से डिवाइड करवाया, आपके पास एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आ गई है 26.70 मीटर, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट रह गया जिसमें हम लोग निकालेंगे सेंट्रिपेटल फोर्स, इसकी भी डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, इसका भी फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं, बहुत आसान है। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का अगर याद है वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रिपेटल फोर्स में सिर्फ एम ऐड हो जाता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर ऐड नहीं हो जाता, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, मैंने कहा उस सेंस में कि एम भी आ जाता है, ठीक है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है ये सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, हम लोग ये डेरिवेशन पूरी देख चुके हैं, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। क्या करेंगे, मास गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी निकल चुकी है, ठीक है, रेडियस गिवन है, तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और हमारे पास सेंट्रिपेटल फोर्स भी आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर।
वाओ, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे क्या किया हुआ है, हमें एक नेक्स्ट ही फॉर्म दी हुई है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वही है जो मैंने आपको समझाया है। लेकिन ना क्या हो गया, इस फॉर्मूले से ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब ये फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं को समझ में आ सकता है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी लास्ट पेज पे देखें मैंने आपसे क्या कहा, देखें इससे ना सवाल भी बन सकता है, बहुत मज़े की चीज़ है। देखें लास्ट पेज पर हमने क्या कहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, मैंने आपसे यही कहा कि जस्ट m आ जाता है उसमें, बाकी पूरा एक्सेलरेशन जैसा ही है, ये भी अल्फाज थे मेरे। ठीक है, तो देखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर बेसिकली क्या है, अगर आप m को अपनी जगह पर एज इट इज़ रखो, ठीक है, तो v स्क्वायर अपॉन r आपके पास किसके इक्वल है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल है। ठीक है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप इसी फॉर्मूले से ये भी बना सकते हो कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए सी। ठीक है, तो ये इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, बेसिकली ये बना उसी फॉर्मूले से। लेकिन इधर ये करने की वजह क्या है भाई, जो बच्चे m v स्क्वायर अपॉन r में तीनों की वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर रहे हैं, उनका भी दुनिया में कोई गलत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनका आंसर भी यही आएगा, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे इससे कर रहे हैं उनका भी यही आएगा। लेकिन हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चीज़ देख लेते हैं, माइट पॉसिबल कभी क्वेश्चन में मास और सिर्फ एक्सेलरेशन दी हो, आपको वेलोसिटी और रेडियस ना दिया हो, उस सूरत में आपके ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। ठीक है, क्योंकि फिर अगेन मैंने वही कहा कि फॉर्मूलास आपके पास एक से दो हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके डेटा के ऊपर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आपको ये दोनों चीज़ें भी गिवन है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने से जो बुक में किया हुआ है, आसानी ये हो जाएगी कि आपको वी स्क्वायर और आर को दोबारा लंबा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आपने ए सी निकाला हुआ है इस सवाल में, ठीक है, आप वही जो ए सी की वैल्यू आई थी 26.70 उसी को डायरेक्ट पुट कर दोगे और मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस स्टेप्स कम हो जाएंगे। ठीक है, एफ सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13.35 न्यूटन। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर एंड हो गया, इसको हर पॉसिबल वे से हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एग्जांपल 5.7।